पता नहीं यार जी मैं किधर गए। अरे बोल अरे रहे आ गए आ गए आ गए आ अरे गए आ गए। वहां कहां से निकले हो जेठा अंकल? रुक जाओ, तुम्हारी ये तो ऐसी तारीफ बबीता पकड़े की नींद से निकला है गए। जिमी। तो जेठा अंकल नहीं मान रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो कि कहां चढ़ गया अपनी नई टाटा सफारी के ऊपर। एक मुंडा पंजाबी अंकल जी दीदे ने सर अभी ओनू लव यू आंख दियो दिल लेगी कुड़ी गुजरात दी। ओ बल्ले बल्ले क्या छुपा के रखता है कलुआ, कभी गेट नहीं खोलता गाइस। इसका ना सच्चाई मुझे निकालनी पड़ेगी। देखते क्या सीन होगा, क्या नहीं, आखिरकार है क्या यार। ओह अंकल क्या देख रहा है जिमी, कुछ क्या नहीं, कर रहा है यार मैं गम। अबे गेट तोड़ दिया हरामी, इतना मत कर। अरे वो गेट चढ़ चढ़ जेठालाल अंकल जी के लिए हमारे पिताजी के द्वारा बच्चे द्वारा जो सरप्राइज गिफ्ट दिया गया है वो है ये टाटा सफारी अंकल। अभी तो मैंने घड़ा इलेक्ट्रॉनिक चला चला के भी नहीं लिया ऐसी गाड़ी। तो ये एक मुंडा पंजाबी अंकल जी दीदे ने सर अभी ओनू लव यू आंख दियो दिल लेगी कुड़ी गुजरात दी। ओ बल्ले बल्ले बिल्कुल जी मैं बिल्कुल। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा दिल लेगी कुड़ी पंजाब दी टुनु नुनु। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे मजे कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी विद दी अपना कलुए मैन के साथ आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। फिलहाल आप देख सकते हो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई साहब, गाना और रील देखता हूं। अंकल जी आजकल में बहुत फेमस हो रहे हैं डांस करके करते हैं वो जिम है। तू भी कर बना ले जिमी एक अकाउंट। मैं क्या बोलता हूं, अरे अरे अरे। तो गाइस मेरा भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मैं भी ऐसे डांस करता हूं, तो मेरे को फॉलो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में अंकल। बिल्कुल बिल्कुल, गुटरगू कर दूं अंकल जी मैं। क्या बात। ओ ये तो गाइस आज की वीडियो में अंकल जी को तबाही वाला सीन होने वाला है, आपको नहीं पता पर क्या होने वाला है। बताऊंगा। हां तो अंकल जी आज हम जाने वाले हैं। कहां जाने वाले जिमी? आज हम जाने वाले हैं अंकल। कहां जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं अंकल। अरे तेरी भैंस क्या, कहां जाने वाले हैं? तो अंकल जी आज हम जाने वाले हैं गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है। अब वहां पे आप तो नहीं थे यार जब मैंने उस वहां पे बहुत सारा काम करा था गाइस, पर आपको तो पता वहां पे मैंने पेड़ पौधे भी लगवा दिए हैं। तो वहां पे जो सदस्य आ रहे हैं ना अंकल जी, जो भी वहां पे रहने आ रहे हैं वो है बिजनेसमैन लोग, ठीक है। और पिताजी चाहते हैं हम उनके साथ सब कुछ अच्छी तरह रिश्ते बनाए रखे, तो उनका सब कुछ अच्छी तरह देखभाल करनी है। और एक मेंबर तो आ भी गया है वहां पे, तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना है, उनका कुछ काम है तो वो भी करवाना है हमें, ठीक है अंकल। ओके तो बाकी गाइस आप ये बताओ ये जो हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं कैसी लग रही है, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो हम यहां से चलते हैं अंकल। चल भाई, ओ कते लाल पीला हो रहा है। बस एक बार जिम में बढ़िया कपड़े पहन लूं मैं। बढ़िया अंकल जी, आपको तो मैं कोट पहनाऊंगा, चलो आओ कोट दिलवाओ रास्ते में। ओके ओके, बड़े पैसे आ रहे जिमी के पास आजकल। ओ ये लेट्स गो। क्या छुपा के रखता है कलुआ, कभी गेट नहीं खोलता गाइस। इसका ना सच्चाई मुझे निकालनी पड़ेगी। देखते क्या सीन होगा, क्या नहीं, आखिरकार है क्या यार। ओह अंकल क्या देख रहा है जिमी, कुछ नहीं मैं यार मैं गमला देख रहा था। मैंने इधर आने के लिए मना किया तुझे जिमी 10 बार। अरे तो मैं गमला देख रहा था ना, कैसा है? नहीं देख गिरा रहा है गमले, तो पिट के बांधेगा यूं बांध जाएगा। अच्छा मेरे से ना अब तमीज से बात करनी है, ठीक है। दे दे पिट के मानेगा, देख मेरी गर्दन पकड़ता, रुक माइकल को अभी बता नहीं पड़ेगा। तमीज से बात करेगा अंकल, मेरे से नहीं करेगा, इज्जत है मेरी मार्केट में, ठीक है। अरे मार्केट में तेरी इज्जत नहीं है जिमी, मैं तमीज से बात करेगा नहीं करेगा। ओ चौमिन पे बाल लगा, तमीज से करेगा नहीं करेगा है। ओए जी भी भाई साहब लग जाएगी, हैक दो दीवार करेगा तमीज से तेरी ऐसे ही है। कलु अंकल क्या हवाबाजी कर रहा है, मानता नहीं मैं ना जिमी, रूस के भाग जाऊंगा ऐसे, ठीक है। रूस के कहां भाग जाएगा? ओ भाई मैं चलाऊंगा गाड़ी, तू कहां चला रहा, चल साइड हो। रुक रुक रुक, आज तो मैं लेके भागूंगा तेरी गाड़ी। चलाएंगे गाड़ी मेरी, चलवा दो इनसे गाड़ी, चल हट, बैठ अंकल जल्दी बैठ यार, मजाक नहीं। नहीं बैठूंगा जिमी मैं, बैठ के भाग रहा हूं अंकल, ऐसा मत करो। बैठना है, अरे ठीक है यार, अब अंकल जी को मनाना पड़ेगा भाई। चलो इस कलुए को मना लो, ये भी तो लड़की है दूसरी, कोई नहीं मनाते इसे। अरे नया सूट दिलाओ कभी कच्चा आ जा। चलो चलो इसीलिए चल रहा हूं मैं, वरना जाता नहीं अभी। ढोल सजा दूंगा बेटा, फालतू मत बोला कर कलुए। और क्या ला कति वैस की अमरना में बैठ गया कति चौधरी बन रहा अंकल। यार काफी दिनों बाद लेके आया जिमी, ये भी तू है। अरे बस पिताजी ने चलाई थी लास्ट बार, उसके बाद खड़ी थी ये गाड़ी, आज चला रहा हूं मैं भी यार। अरे जिमी मैं कह रहा मेरे को दे देना ये गाड़ी। तू दे दूं मैं आपको, मजाक चल रहा है क्या? और चौपड़ी के क्या हाल है? चोप ठीक है, मस्त खेल रहा जिमी कल से, खेल रहा ना। तो गाइस अब जाके मैं चोप के हेल्थ का तो बताया नहीं अंकल जी हमने। अरे तो चोप की हेल्थ बिल्कुल ठीक है गाइस, बिल्कुल गाइस बिल्कुल चंगा हो चुका है हमारा चोपड़ी, अच्छी तरह खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। और अब एक बार उसको ना चेकअप के लिए जा रहा है। भाई साहब क्या कर रहा है? अरे अंकल ये क्या हो गया, कर दिया शुभारंभ? भाई साहब इतनी सी टच होने में ऐसे हो जाता है क्या? अरे भाई साहब यार ये बिल्ड क्वालिटी आजकल यूं ही आ रही है कंपनियों की। ये कौन सी थी भाई साहब, ये तो कते महंगी गाड़ी लग रही है मुझे, जिम देख रहा कुछ नहीं हुआ इसको, ऐसी सी गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, ये इतनी सी होगी मेरी दोनों तरफ से चलेगी अंकल।
चल कोई नहीं, अब ठीक करा लेंगे, अब क्या ही कह सकते हैं, ये तो लुढ़क गई। एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ मैं। करो भाई, ऐसी तैसी तो मेरी होगी अंकल जी। लाइट तो चल रही है ना, लाइट का खर्चा। अरे ले भाई, गई अंकल लाइट भी गई जी। ओ नो, फोक लैंप भी गए यार। इसलिए नहीं निकालता, इन गाड़ियों को ना नजर लग जाती है अंकल जी। क्या ही बोलूं जी मैं, एक तो सनरूफ खोल दे यार, मेरे को थोड़ी गर्मी से लग रही है। तुम्हें सनरूफ खुलवानी है क्या? बोलूं मैं कलवा भाई, मैं नहीं खोल रहा। अरे खोल दे यार जिमी। ले यार तू भी, क्या ही बोलूं। तो गाइस अंकल जी के लिए मैंने सनरूफ खोल दिया है। कति खड़ा हो जाना अंकल। हां अरे खड़ा नहीं होना, मतलब थोड़ी ना इसमें हीट सी बनी हुई है, निकल जाएगी ना। यार अंकल जी मेरे को तू खो रहा है, मेरी गाड़ी टूट गई है कलवा तेरी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हरामी है तेरी चलाने की वजह से हुआ है। आराम से चल, पहले इस गाड़ी को ठीक करा लेते हैं जी। यार नहीं यार, इतना टाइम नहीं है ना अंकल जी। अरे रे पगले, गाड़ी ठीक करा, गाड़ी अभी अभी आप पैसा लगेगा इंश्योरेंस में भेजो, ऐसे अच्छा खासा हुआ है इसका नुकसान। अभी थोड़ी सी और ठोकूंगा फिर इंश्योरेंस में भेजो अंकल। चल बाकी देख ले यार जी, अभी देखो आपके ठोकूंगा तो गाइस पहले अंकल जी की शॉपिंग करवा देते हैं, सूट सूट दिलवा देते और फिर ठोकूंगा, आपको भी दिखाऊंगा कैसे ठोकते हैं। अंकल जी कति जेंटलमैन बन रहा है। अरे भाई साहब हम तो है ही स्मार्ट जिमी। अरे रहने दे, पता है दिला दिया मैंने शूट तो। अरे भाई साहब मुझे इतना पैसा कहाँ से आ रहा जिमी आजकल। अरे बैठ ना अंकल तू यार, यार इंश्योरेंस के लिए देनी है जल्दी, बैठ। उससे मैंने बात करी बंदे से। अरे गेट तो लोग तो खोल दिया कर। अब सीन बताऊं क्या, इंश्योरेंस के लिए अगर सीधा बम्पर का होता ना मैं नहीं देता अंकल जी। अरे दे दे दे, अब क्या करेगा फिर, दिक्कत हो रही है स्टीयरिंग में। अच्छा अच्छा, चल सर्विस नहीं कराई क्या तूने इसकी? अरे मैंने सब करवाया, अभी मैं गाइस इसको लेके जाने वाला हूँ कुछ ऐसी जगह जहाँ पे इसका थोड़ा सा इलाज कर दे अंकल जी, क्योंकि इसके बाद फिर ये इंश्योरेंस में भेजनी है। चलो कोई नहीं, करवा लेते हैं जी मैं, जैसा तू कहे। यार कोई जगह बताओ ना, यहाँ यही कर देते ना, नीचे के पट पट तीन बार मार देता हूँ पेड़ पे। भाई देख ले जी मैं, सेफ एरिया में करियो। यहाँ पे क्या वीडियो बना देगा वही मेरी और क्या। ओ नो, अरे हट जा रे, वैसे नंबर भी नहीं है मेरी गाड़ी में तो। अरे रे रे कोई नहीं, फिर भी जी में ध्यान तो रखना पड़ता है। लो ध्यान रखूंगा, पूरा ध्यान रखूंगा, कोई आई नहीं आई है ठोको। ए बस अरे शीशा गया जी में, जाने दो, कोई नहीं कहूंगा, एक्सीडेंट हो गया था भाई बड़ा गंदा। अरे रे रे, देख रहा हूं कि अपनी गाड़ी खुद तोड़ दोगे, कैसा दर्द हो रहा है मुझे। तू तो फ्रॉड आदमी है जी में, फ्रॉड का इंश्योरेंस में देनी है तो काम तो करवाऊं। अरे रे रे, तो ऐसे तोड़ना तो थोड़ा वो है जी में, थोड़ा गलत है। चुप 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 कलवे चुप, तूने मेरे को सिखाया ऐसे करना। अच्छा भाई, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैं अच्छे अच्छे काम सिखाता हूँ तुझे। गेट खोल दिया नहीं वाला, बस ये गेट भी चढ़ 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 करता हूँ कल। अरे अबे गेट तोड़ दिया हरामी, इतना मत कर। अरे वो गेट चढ़ 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 करता है। वाह भाई साहब, पीछे की राइट है तो बस जिमी बहुत है, इतना ज्यादा मत कर। अब ज्यादा नहीं कर रहा अंकल जी बस। अरे भाई कंस्ट्रक्शन वाले बता देंगे, निकल ले यहां से। क्या बताएंगे, यही ना जानते इंश्योरेंस वाले को। बस हो गया हमारा, चलो बाय। अरे तुम टूट रहे, तुम्हें थोड़ी ठोक दिया। आई तो लेट्स गो अंकल जी, आई ना मेरे को यहाँ खड़ी करवा देनी है गाड़ी और फिर हमें निकलना है यहाँ से। ओके यार, अब देखे तो देख कितना करवा। देखो गाइस आगे से ये हालात हो गए हमारी गाड़ी के, और ये साइड का गेट स्टीयरिंग का काम तो अब होएगा ही होएगा, मैं उसे बोल दूंगा भाई स्टीयरिंग में चटर कर रहा है। तो ये लोंगा जी हो गया ना अपनी गाड़ी, अब बिल्कुल खाची बन के आएगी, बहुत दिमाग चलाने लग गया। ये 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 अब तो बिल्कुल नई जैसी आएगी। गाड़ियाँ ले रखी तू, देख के अभी सिम तोड़ेगा, इसे भी तोड़ देगा। यहाँ पे ऐसी चढ़ते अंकल जी, लोग देख रहे हो ऐसे गोल 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 घूमते आते हैं पहाड़ों पे, ये देख रहे हो। तेरे को चलानी नहीं आती जी, मैं अब तो मुझे डाउट है। अरे बेटा मेरे को नहीं चलाने आती, अब अभी डराऊं तेरे को ये ले। रहते रहते चाची था ये थार के फायदे अंकल जी, देखो ये होते हैं देखो। हाँ ये फायदे तो है यार जी। तो फाइनली हम पहुंच चुके अंकल जी, देख लो आ गई हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। देख रहे हो गोकुल धाम सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। जो पहले सदस्य अभी इस घर में आए हैं ना, मतलब इस सोसाइटी में आए, वो हमारे जेठालाल अंकल आए हैं। ठीक है, अच्छा भाई साहब, जेठिया आया, जेठिया आया, जेठिया आया, जेठिया ये। अरे रे जीपी, मैं तो पहली बार आया, देख के हाथी की घर की दीवार तोड़ेगा, हाथी मुझे पिचका देगा अंकल।
बिल्कुल बिल्कुल। अरे चेटाला अंकल आओ ना नीचे, तो आओ ना। तो गाइस वेट करते हैं अंकल जी का, और फिर हम यहाँ पे कैसा क्या काम के लिए आए हैं वो भी आपको बताते हैं अंकल। ये तो लेट्स गो। अरे कहाँ रह गए जेठालाल अंकल यार? अरे आ रहे हैं, पता नहीं यार जी मैं किधर गए। अरे बोले, अरे आ गए। अरे वहाँ कहाँ से निकले हो जेठा अंकल? रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी तरह पकड़े गए। जेठालाल अंकल जी राम राम। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से मुझे फोन दिलाओ ना प्लीज, अच्छे वाला स्मार्टफोन दिलाओ ना। तो ये देखो गाइस हमारे जेठालाल अंकल। ओ ये, अरे जेठालाल अंकल गाड़ी में बैठो यार आप। क्या यार ऐसे इतनी धूप में हमें थका दिया। चलो आओ रे प्रेंगन अंकल, आप भी आ जाओ उधर। क्या देख रहे हो बिल्डिंग गिरने लग रहे हो? आपको नहीं मिलेगा घर? अरे दे दे, आता हूँ जी। ए जेठालाल अंकल जी क्या बात है, दया आंटी कहाँ है हमें भी बता दो। ये मैं जा रहा हूँ अंकल। अरे रुक जा जी, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ। फिर वो भाई सोसाइटी में देख रहे हो गाइस कैसे क्या क्या करवा दिया है, पेड़ ही पेड़ है, ये तो मैंने लगवाए हैं। ओ ये तो क्या सरप्राइज है वो जिसके लिए हम जेठालाल अंकल जी के पास आए, और इनको जो सरप्राइज हम देने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे आगे जाके। बस एक बार कलवे बांध दो। हाँ फ्राइंग अंकल जी, क्या जिमी सरप्राइज बता दिया जाए फिर? अभी तो नहीं जी, मैं बाद में बताते हैं। अभी तो यहाँ पे भी पेड़ लगने बाकी अंकल। अरे दे, पेड़ बहुत लगवा रहे हो तुम गोकुलधाम में। अरे अंकल जी लगाने पड़ते हैं। अच्छा ऐसा तो है भाई, जेठालाल अंकल जी के लिए सरप्राइज है, और अभी तो और बंदे आएंगे उनके लिए भी सरप्राइज आएंगे धीरे धीरे। क्यों अंकल? बिल्कुल, पर जेठालाल अंकल जी आ चुके सोसाइटी में, तो उनको हम देने वाले काफी तगड़ा सरप्राइज, जिसमें मजा ही मजा आने वाला उनको। तो बस अभी हम दुकान में जा रहे हैं अंकल। यस यस जिमी, और हमारे जेठालाल अंकल पेट लेके यहाँ खड़े हैं। मुझे देख लो अंकल इनकी ये। अरे मुझे तो एक नंबर है जेठालाल अंकल। अरे आप भी ऐसी करा लो अंकल। अरे नहीं, मेरे पे सूट नहीं करेगी। अरे तुम पे, तेरे पे तो कुछ सूट ही नहीं करता कलवे, तू तो बिल्कुल यूं ही बिना मुछड़ अच्छा लगता अंकल। हो जा चुप, ज्यादा मत बोल जिमी। जेठालाल अंकल के सामने तो ज्यादा बोलूं अंकल? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से फोन ही दिला दो। आपका बागा कहाँ है? बाबरी के पास भग गया अंकल जी। अरे ये देखो हरियाणा रोडवेज आ रही है। अरे भाई साहब हरियाणा रोडवेज भी चलने लगी क्या जी मित्र? अरे सब चलवा देते हैं अंकल जी हम तो। और बताओ क्या बात, क्या बढ़िया बात है जी। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं गाइस हम दुकान में। तो देख सकते हो गाइस कि हम हैं फिलहाल सिमियोन अंकल जी की दुकान में। आप समझ गए होंगे ये नजारे देख के, प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट। ठीक है, अब सरप्राइज आपको भी बता देते हैं कि जेठालाल अंकल जी के लिए हमारे पिताजी के द्वारा, मतलब मेरी द्वारा बोल दो यार, पिताजी तो क्या ही बोलना, आया तो मैं हूँ ना, तो उनके द्वारा जो सरप्राइज गिफ्ट दिया गया है वो है ये टाटा सफारी अंकल। भाई साहब जी मैं तो हैवी गिफ्ट दे दिया तुमने, मेरे को तो नहीं दिया कभी। अरे रुक जाना, तू कल आया ना भाई, ये तो जेठालाल अंकल है हमारे। वाह वाह वाह, ठीक है भाई। तो ये देख लो गाइस यहां पे फोटो खींची जा रही है अच्छी खासी, और गाड़ी के डीआरएल जला दिए गए अंकल। भाई साहब बड़े मस्त लग रहे जी मैं आगे से। और जेठा अंकल तो मौज में होगा। क्या क्या बात है, क्या बात है, अभी तो मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चला के भी नहीं ली ऐसी गाड़ी। तो ये तो देख लो गाइस काफी खुशी का माहौल हो चुका है, और ये देख सकते हो कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है। और रही बात इसका पीछे का, मैं बता दूं स्पेस काफी अच्छा है। ठीक है, मस्त पीछे के नजारे, एसी उसी कंट्रोल करो पीछे से भाई साहब, जिसको जैसी हवा चाहिए वैसी लो। अरे अंकल, अरे डिक्की भी तो खोल ले जिमी। अरे डिक्की भी खोल देंगे अंकल, यार क्या बात है। तो गाइस देखो पीछे का स्पेस है अंकल इसमें, ये यार स्पेस कम मिलता है पीछे, अगर सीट नीचे कर दोगे तो है स्पेस। अरे तो 7-सीटर गाड़ी है ना जिमी, तो यार थोड़ा तो स्पेस होना चाहिए ना, इस पर स्पेस इतना ही मिलेगा अगर सीट नीचे करके कर लोगे भाई, तो सीट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी 7-सीटर गाड़ी है, और ये गाड़ी हमने इनको इसलिए देने की सोची क्योंकि इनकी थोड़ी फैमिली भी तो बड़ी है ना अंकल। बिल्कुल भाई, वो तो जैसे कि अंकल हो गए, अंकल जी की पत्नी दया जी हो गई है ना, और इनके बापू जी हो गए, इनका दिकरा टप्पू हो गया, यही चार लोग हो गए अंकल है। फिर इनका जो सुंदर आ जाता है, वो सुंदर अपने साथ दो और नमूने ले आता है, इसीलिए अंकल क्या कर सकते हैं। चलो बढ़िया है फिर तो जी, मैं गाड़ी हमने वाली गाड़ी दे दी है। और कभी कभी तो फिर इनके साथ वो भी तो जाते हैं ना अंकल जी, कौन बागा वगैरह भी तो जाता है। हाँ बागा नट्टू। हाँ तो ये देख सकते हो गाइस इतना प्यारा अंकल जी, लग्जरी है बिल्कुल, मस्त लग रहा जी। अरे मस्त मस्त ही चीजें देते हैं अंकल जी हम। क्या बात। तो चलो भाई इसे बंद करके, डिलीवरी हमने ले लिया गाइस, केक को कटिंग भी हो चुकी है, अभी बस फोटो वगैरह हो रही है, और अभी गाड़ी में एक चीज लिखनी है बस, फिर यहाँ से हम गाड़ी लेके चला के, तो नहीं अंकल जी चला के लेके चले क्या, ये ट्रक से वहाँ भिजवाए? ट्रक से ले चल जिमी। चलो कोई नहीं, ट्रक से डिलीवरी करवा देंगे, क्योंकि फिलहाल तो यार अभी हम कोई कॉमेडी नहीं चाहते, इसको सीधा खड़ी करेंगे, अभी तो जेठालाल अंकल को चलाने भी नहीं आती। वही तो जिमी, इसलिए गाइस हम खुद भी नहीं चलाएंगे, हमें क्या रिस्क नहीं लेना अंकल, है नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए गाइस चल भाई फोटो खींच, मेरी भी खींची हो ये, रुक मैं यहाँ पे खिंचवाऊंगा। अरे अंकल चढ़ नहीं पा रहा, इतनी ऊंची है ये। अरे मोटी तो कम कर, फिर चढ़ पाएगा। चुप तेरी ऐसी, कोई नहीं भाई यहीं से खींच ले मेरी, खींच मस्त। ये अब इस साइड से भी खींचनी है मुझे, जेठालाल अंकल जी के साइड से खिंचवाऊंगा अंकल। अरे रुक जा तू, तेरी खिंचवा फोटो। लो भाई खींच 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 ये, चलो बढ़िया बढ़िया। तो गाइस चलो यहाँ से निकलवाते हैं गाड़ी, मजा था एक नंबर का। आ जाइए ये टाटा सफारी, यही और टाटा सफारी, और इतना बढ़िया इंटीरियर आपको मिल जाता है यहाँ आगे का। ओ ये लेट्स गो। अरे फ्रेंक अंकल बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं वो नीचे कर दे यार एक बार आगे जाके। कर रहा हूं भाई कर रहा हूं। ये ना सिमियन अंकल बैठ के गोली दे गया हमें, वही तो यार जिमी। अरे अरे दे दे, ठीक है ना। बस बस बस। अरे भाई सिमियन अंकल लगा बंदा भेज रहा हूं मैं, यार इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है। अरे तो नीचे करना, और अरे तो ज्यादा करता ना जिमड़ी यार अंकल, आप बताते ही नहीं, बस बस कर रहे। अरे मैं इधर थोड़ा बात कर रहा था जेठिया से। जेठा अंकल से ज्यादा बात मत करो, बस अब ठीक है। अभी बिजनेस में लगा देंगे, फिर गुजरात ले जाएंगे, फिर केम समझा में करते रहना। अरे नहीं नहीं नहीं, ओके लेट्स गो गाइस। ये अंकल अपने आप बन जाएगी ना ये तो फिर। हां बिल्कुल बिल्कुल। ओ ये यार अंकल तो सोचा सही है यार ये। बस रोक दे जी मैं, बस पटवा जाइए अंकल। अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो ज्यादा हैवी मतलब सेट हो गई वो है। चलो ठीक है गाइस, अब मजा आएगा ना। आओ जेठा अंकल जी, बैठो बैठो यार, निकलते हैं फिर हमें। फ्रेंक अंकल कते पीछे चिपक गए। बिल्कुल भाई साहब, अब मेरे को पीछे बैठना पड़ेगा जी। देख रहा हूं अंकल लाइट भी कितनी तेज चलती है इसकी, तो भाई साहब बढ़िया ट्रक है ये भी यार जी। ए मेरा दिल क्या धड़का, ये बस कारों के लिए है ना फिर। वो तो बात है यार जी, हमारी टाटा सफारी जो कि जेठा अंकल जी के लिए हमने सरप्राइज दी है, वो हम लेके निकल चुके हैं पहुंचाने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अभी आप पूछोगे थार कहेंगे, थार हमने यही खड़ी कर दी है, वो गंदी हो रही थी, मैं फ्री में वॉश करवा लेंगे। ये फ्री की चीजें छोड़नी नहीं चाहिए अंकल। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये फ्रेंक अंकल फ्री के कच्चे नहीं छोड़ते यार, मैं तो फिर भी कार वॉश कह रहा हूँ। तू तो रहने दे, फ्री का कुछ नहीं छोड़ता जी मैं तो। ये और ये देखो गाइस हमारे साथ हमारे जेठा अंकल। जेठा अंकल जी कैसे लगा सरप्राइज? अरे ऐसे मत देखो पागल, शर्मा जाऊंगा मैं। ये अरे यार अंकल जी और बंदे कब आएंगे? आ जाएंगे जी मैं, आ जाएंगे सब धीरे धीरे। गोकुल धाम में गाइस पूरा गोकुल धाम दोबारा चमकने वाला है, फिर हम मजे करेंगे मजे। ये बाकी ये देखो कैसे हम कार लेके जा रहे हैं, ले जाने को तो हम चला के भी ले जाते हैं, पर भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते। पिताजी ने भाई साहब पैसा दिया और फिर इसमें कुछ हो जाए ना एंड टाइम पे सरप्राइज कैसे हो जाती है अंकल। बिल्कुल जी मैं बिल्कुल ठीक है, तो लेट्स गो, चलो चलते सीधा गोकुल धाम में। ये तो देख सकते हो गाइस कि हमने गाड़ी नीचे उतार ली है और जेठालाल अंकल जी पूरे पीछे बैठ के चौड़े होकर बैठ गए और हम सोसाइटी में से एंट्री करवा रहे हैं अंकल। बिल्कुल जी मैं बिल्कुल, सोसाइटी में पहली कार जेठालाल अंकल जी की आ चुकी है, सबसे पहले ये आए तो कार भी इनको ही मिली है सबसे पहले। ओ ये कैसी लग रही अंकल? एक नंबर लग रही जी मैं। ये देखो गाइस हमारी टाटा सफारी अंकल जी के घर के नीचे खड़ी करेंगे अंकल। बिल्कुल जी मैं बिल्कुल, यही खड़ी कर दूं क्या? अभी तो यही खड़ी कर दे, पूजन वूजन करेगी ना, अभी दया आएगी। आइए पधारिए गोकुल धाम में, आइए पधारिए नई टाटा सफारी। अरे अरे फ्रेंक अंकल ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब तू मान जा जी मी, मान जा। मैं क्या मान जाऊं, जेठा अंकल नहीं मान रहे गाइस। आप देख सकते हो कि कहां चढ़ गया, अपनी नई टाटा सफारी के ऊपर चढ़ के कह रहे गेट खोल के फोटो खिंचाऊंगा और डांस कर रहे हैं नई टाटा सफारी के चक्कर में अंकल जी। भाई साहब क्या ही बोले, जेठा जी तो कतई मजे में हो गए कर रहे हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि फाइनली जेठा अंकल जी की तो नई कार आ चुकी है, लेकिन और भी सरप्राइज आने वाला है। तो बस चैनल के साथ बने रहिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, छेती छेती ऐसी तबाही वाली वीडियोस आती रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जेठालाल अंकल जी कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस का इंतजार आप करते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता है अगली ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सूट आ रहा गाइस, चंगा फिर अगली गेड़ी।